नमस्कार, रीवा सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं निवेदिता मिश्रा हाजिर हूं आज की बड़ी खबर के साथ। ओबीसी आरक्षण की राजनीति में उलझे पंचायत चुनाव, विधानसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस, कमलनाथ ने कहा सरकार के वकील कोर्ट में नहीं बोले। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण की राजनीति के कारण उलझते दिख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर रविवार देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके मुताबिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से होना था लेकिन इसे 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हमारा विरोध इस बात का है कि बिना ओबीसी आरक्षण के जो 27% हमने किया था ये जाए, इसमें संशोधन कराए। अगर इनका मन साफ है, दिल और दिमाग में कुछ और बात है, प्रचार में कुछ और बात। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है, सरकारी वकील थे, आयोग के अधिवक्ता थे, वो खड़े होकर इसका विरोध नहीं करते। सरकार का दायित्व था इस पे करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के कारण ही हो गया, विवेक तन्खा। खास है कि कांग्रेस की बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही राज्यसभा सांसद व सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया था। साथ ही तन्खा ने 3 दिन में माफी मांगने की बात कही है। नोटिस प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तन्खा की ओर से भेजा है। 17 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई को लेके गलत बयानी हुई थी, जो कुछ हुआ नहीं, जो माननीय श्री तन्खा जी ने नहीं बोला था उसको लेके जो गलत बयानी करी है श्री बीडी शर्मा जी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, एवं भूपेंद्र सिंह जी द्वारा, मंत्री जो हैं आवास पर्यावरण के, उनके द्वारा लगातार मीडिया पे और अलग जगहों पे, उसको लेके हमने किया है कि जो चूँकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं तो वे या तो माफ़ी मांगे अन्यथा 10 करोड़ का दावा करेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह का वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर विवेक तन्खा ने आपत्ति जताई है। माननीय विवेक तन्खा जी ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाने की बात की, पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की बात की और उस कारण से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पंचायत के चुनाव में ओबीसी के 27% आरक्षण पर रोक लगाई गई है। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र शुरू हो रहा है। संभावना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में जमकर गहमा गहमी के मामले को लेकर दायर की गई याचिकाओं में विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रविवार को बीजेपी के ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मामला विवेक तन्खा कोर्ट लेकर गए। यहां विवेक तन्खा ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था, उसके आधार पर फैसला आया है। तन्खा को लेकर वीडी शर्मा का भी बयान आया था। ओबीसी आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया के साथ हो चुनाव, कमलनाथ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील रोटेशन लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण निरस्त करने का फैसला सुनाया उस समय अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार का पक्ष नहीं रखा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण और रोटेशन प्रक्रिया के साथ होना चाहिए, इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार समाप्त करना चाहती है ओबीसी आरक्षण। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार जानबूझकर ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहती है, इसीलिए जानबूझकर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ही इस तरह बनाई गई कि उसमें कई संवैधानिक कमियां रह जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जे नेता सिर्फ झूठ प्रचार करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ओबीसी विरोधी पार्टी रही है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी विरोधी प्रदेश और देश में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर।